हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। दरभंगा जिले में एक बार फिर बाढ़ ने दोबारा दस्तक दे दी है। पिछले बाढ़ की तबाही से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से दरभंगा जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हनुमान नगर, घनश्यामपुर, सिंहवाड़ा, गौराबोराम, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंडों के साथ हायाघाट में भी लोग बाढ़ से तबाह होना शुरू हो गए हैं। बाढ़ की पिछली तबाही से अभी लोग उबरे भी नहीं कि उन्हें फिर से दोबारा आई बाढ़ से जूझना पड़ रहा है। भारी बारिश से दोबारा बाढ़ ने जिले में दस्तक दे दी है। मवेशियों के साथ पलायन करना लोगों की मजबूरी बन गई है। इस वक्त अपने स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह हायाघाट की है। लहेरिया सराय से हायाघाट मुख्य सड़क इन माइट ढाला के पास सड़क पर चढ़ चुका है बाढ़ का पानी और यह आर पार हो रहा है। नाव से आना जाना लोगों की मजबूरी बन गई है। अशोक पेपर मिल थाने से आगे, अकराहा से आगे इन माइट ढाला के पास सड़क के दोनों तरफ से बह रहा है बाढ़ का यह पानी। विभिन्न प्रखंडों के आधा दर्जन सड़कों से बाढ़ का पानी आर पार हो रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तर बिहार में लगातार हो रही तेज बरसात ने स्थिति को काफी गंभीर कर दिया है। जल जमाव और जल भराव के साथ साथ बाढ़ की समस्या से दो चार हो रहे हैं लोग। हालांकि प्रशासन ने पिछली बार की तरह इस बार भी खुद को बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार बताया है, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं।